नमस्कार, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यह एक्ट्रेस दिन में करती है शूटिंग, रात में चलाती है ऑटो। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक महिला ऑटो ड्राइवर के साथ बैठे और उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड जानकारी के अनुसार यह वीडियो मुंबई का है। बोमन जिस लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं वो एक एक्टर है। शेयर किए गए वीडियो में बोमन ईरानी एक ऑटो में बैठी दिखाई देते हैं। तभी उनके पास से एक अन्य ऑटो गुजरता है जिसे महिला ड्राइव कर रही है, जिसमें बैठे दो शख्स जब बोमन को देखते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं। वे एक्टर के साथ फोटो लेने का निवेदन करते हैं। इस बॉलीवुड एक्टर ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद के लायक। देश में चुनाव का माहौल है, सबकी नजर आने वाले सरकार पर टिकी हुई है। 23 मई को चुनावी परिणाम आना है। इस बीच बॉलीवुड के एक एक्टर ने राहुल गांधी को पीएम पद के लायक बताया है। यह एक्टर कोई और नहीं बल्कि कमाल खान है। दरअसल कमाल खान ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए एक ट्विटर पर लिखा है कि कोई भी ये कैसे कह सकता है कि युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन बनाने की चाहत रखने वाले, पढ़े लिखे, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, हैंडसम और ईमानदार राहुल गांधी पीएम पद के लायक नहीं है, लेकिन वह शख्स पीएम बनने के लायक है जो युवाओं को चाय वाला, रिक्शा वाला और पकौड़े वाला बनाना चाहता है। बाहुबली का ये एक्टर होगा सलमान खान की दबंग 3 का विलन। स्क्रीन पर दिखेगा दमखन। सलमान खान की मोस्ट एवरेस्ट फिल्म दबंग 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इंदौर में शूटिंग खत्म होने के बाद अब टीम मुंबई में शूटिंग शुरू हो चुकी है। भाई जान की दबंग फिल्मों के विलन भी जानदार होते हैं। पहली दबंग में सोनू सूद, दबंग 2 में प्रकाश राज और वही दबंग 3 में स्टार सुदीप का जलवा देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे स्क्रीन पर इस बार बाहुबली और मक्खी जैसे फिल्मों के विलन सुदीप से लड़ते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली सुदीप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलमान खान के साथ फोटो शेयर की है, जिनमें खींची गई इस फोटो में दोनों ही सुपरस्टार पोज देखते नजर आ रहे हैं। सुदीप ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, सेट पर गर्मी भी हमारी एनर्जी को झुलसा नहीं सकती, ये एक थ्रिलिंग दिन था, बेहतरीन यूनिट, बेहतरीन लोग, सेट पर होमोजीनियस जिम एक बोनस की तरह था। दबंग 3 का पहला दिन मुस्कुराते हुए बीता। सलमान सर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे घर जैसा ट्रीट किया। एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।